कुछ इस तरीके का आपको की मिलता है जिसको वेब की भी बोलते हैं। हीरो का आपको यहाँ पे बैजिंग और इस साइड लोगो देखने को मिलता है। तो आप यहाँ से वाइजर वाले बटन को प्रेस करके इसके हाइट को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो एज नीडेड। तो ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे हमने वाइजर को ऊपर टेल लाइट है वो ग्लो करता है एंड दिस इज़ दी हजार्ड इंडिकेटर्स। और अगर हम लोग ब्रेक को प्रेस करते हैं तो कुछ इस तरीके से इसका लाइट जो है वो ग्लो करता है, अपना जो बाइक का लाइट है वो ऑन रहता है। तो एक बार मैं आपको साइड लुक दिखाना चाहूँगा बाइक का। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब, होप कि बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। फिलहाल अभी मैं खड़ा हूँ चंदन हीरो में जो कि कंकर बाग के पास है, और आज अपने साथ खड़ी है दी ऑल न्यू हीरो XMR करिश्मा 210। तो गाइज आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इस बाइक के बारे में, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, और इस वीडियो में पूरा डिटेल देने जा रहे हैं इस बाइक के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। सो दिस इज़ दी बाइक, दी ऑल न्यू 2024 हीरो XMR करिश्मा 210। सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस बाइक के लुक के बारे में। सो आई वुड लाइक टू शो दी लुक ऑफ दिस बाइक। तो पहले आप इस बाइक के कलर को और ग्राफिक्स को और इस बाइक के लुक को एक बार देखो। तो मैं एक बार वॉक अराउंड देना चाहूँगा इस बाइक का आप लोगों को, देन उसके बाद वी विल टॉक अबाउट ऑल दी फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ दिस बाइक विद द इंजन स्पेसिफिकेशंस। तो सबसे पहले आप लोग ये देखो, सबसे पीछे आपको ग्रैब हैंडल बार मिलता है, 210 का लोगो देखने को मिलता है, उसी के साथ करिश्मा की बैजिंग यहाँ पे, और XMR जो कि ये बाइक है। बाकी यहाँ देखो हीरो का लोगो मिलता है आपको, और कुछ इस तरह की इसमें आपको डुअल टोन कलर मिलती है रेड एंड ब्लैक के साथ, और काफ़ी अच्छा कलर है। बाकी कुछ इस तरीके का आगे आपको हेडलाइट देखने को मिलता है। सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके हेडलाइट के साथ। तो ये फ्रंट में कुछ इस तरीके का देखने को आपको DRL मिलता है, DRL लाइट्स के साथ इसका हेडलाइट ऑफर किया गया है, जिसमें आपको दो दो प्रोजेक्टर LED हेडलाइट देखने को मिलेगा, ये देख सकते हो आप लोग। तो आपको इसमें LED प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा वर्थ है अभी के टाइम पे। एंड इसके साथ आपको यहाँ पे हजार्ड का बटन मिलता है जो कि LED रहने वाला है, ये आप लोग देख सकते हो। इसमें हजार्ड लाइट का ऑप्शन मिलता है विथ कंपनी फिटेड LED लाइट्स, जो कि और भी ज़्यादा अपग्रेड हो चुका है। बाकी पीछे आप लोग देखो, पीछे भी आपको LED का सेटअप मिलता है हजार्ड लाइट्स के साथ। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इस बाइक के मीटर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स देखेंगे इस बाइक के। तो यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट मिलता है, जिसमें आप अपना टाइप सी या कोई भी USB सॉकेट यूज़ कर सकते हो और अपने डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हो। और हम लोग बात करने वाले इस बाइक के मीटर के बारे में, तो कुछ इस तरीके से इसका मीटर जो है वो ऑन होता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा RPM मीटर, उसी के साथ आपको स्पीडोमीटर मिलता है। इस साइड में अगर हम लोग बात करें तो आपको फ्यूल इंडिकेटर मिल जाता है, उसी के साथ इस साइड में गियर इंडिकेटर, गियर पोजिशन के साथ आपको इंजन टेम्परेचर मोनिटर मिलता है। देन उसके बाद यहाँ आपको न्यूट्रल का इंडिकेशन, देन उसके बाद साइड स्टैंड, इंजन चेक लाइट, देन इंजन लो फ्यूल वार्निंग, और इस साइड आपको पासिंग लाइट का लोगो मिलता है, उसी के साथ आपको टर्न इंडिकेटर्स और उसके बाद ABS का आपको नोटिफिकेशन मिलता है। बाकी यहाँ ऑडोमीटर में हम लोग यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं, तो ये हमने यहाँ से चेंज किया। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके के फीचर्स मिलते हैं देखने को, जिसमें आपको टाइम मिलता है, ट्रिप मिलता है, ट्रिप ए, ट्रिप बी, फ्यूल एवरेज, रेंज, नेविगेशन और सर्विस ड्यू जैसे बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। सो नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट द स्पेसिफिकेशंस ऑफ दिस बाइक। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं इस बाइक के इंजन के बारे में। तो आपको इस बाइक में लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है DOHC टेक्नोलॉजी के साथ, जो कि हीरो का अपना टेक्नोलॉजी है। और ये बाइक 210cc की है, जो कि इसका मैक्स पावर और जो टॉर्क है वो अभी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप लोग देख सकते हो इस बाइक के इंजन से क्या पावर जनरेट होता है और क्या मैक्सिमम टॉर्क रहने वाला है, वो अभी स्क्रीन पे आ रहा होगा। अब हम बात करने वाले इस बाइक के ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। तो कुछ इस तरीके का आपको ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, यहाँ पे आपको बाइब्री का ब्रेकिंग मिलता है फ्रंट में, और जो ब्रेक का अपना साइज़ है वो 230mm का रहने वाला है डिस्प्लेट का साइज़। और टायर साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो आपको इसमें टायर साइज़ मिलने वाला है 180/17, तो आपको इसमें 180/17 का टायर साइज़ मिलने वाला है। उसी के साथ आपको कुछ इस तरीके का अलॉय व्हील मिलने वाला है, जो कि काफ़ी स्पोर्टी है और काफ़ी वाइड और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियलिस्टिक दिखने में लगता है। उसी के साथ इसके सॉकर्स देख सकते हो, काफ़ी वाइड और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सॉकर मिलते हैं इस बाइक को। बाकी यहाँ पर आपको डुअल चैनल ABS का लोगो देखने को मिल जाता है एज दिस बाइक गेट्स
डुअल चैनल ABS इन फ्रंट एंड रियर एज वेल एज। तो आपको इस बाइक में डुअल चैनल ABS मिलता है, उसका लोगो आप लोग यहाँ देख सकते हो। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इसमें दो प्रोजेक्टर सेटअप मिलता है, दोनों ही LED रहने वाला है। तो पूरा फुल LED लाइट्स के साथ ये बाइक आती है, फिर चाहे वो रियर हो, फ्रंट हो या फिर इंडिकेटर्स हो। तो अब हम लोग फ्यूल टैंक के बारे में बात करते हैं। तो दिस बाइक गेट्स 11 लीटर ऑफ फ्यूल टैंक कैपेसिटी। तो इस बाइक में 11 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। बाकी अगर हम लोग बात करें गियर की, देन दिस बाइक गेट्स 6 गियर। तो इस बाइक में 6 गियर का आपको ट्रांसमिशन मिलता है, 6 गियर ट्रांसमिशन के साथ आती है ये बाइक। और बाकी सीट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो अगर आप लोग एज बिंग अ राइडर इस बाइक को परचेज करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं सीट इसका काफ़ी अच्छा कुशनिंग के साथ आने लगा है, और राइड हाइट जो इस बाइक का है वो काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर बाइक्स ऑफ दिस सेगमेंट। तो कहीं ना कहीं इस बाइक का जो सीट हाइट है वो मॉडरेट है। उसी के साथ रियर सीट की बात करें अगर, तो ये देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कुशनिंग के साथ रियर सीट देखने को मिलता है। उसी के साथ यहाँ आपको हीरो का लोगो मिल जाता है, एंड लेदर वाला आपको सीट मिलने वाला है। उसी के साथ यहाँ पे ग्रैब हैंडल बार्स मिलता है आपको। सो अब हम बात करने जा रहे हैं इसके रियर टायर के बारे में। तो आपको जो साइज़ मिलने वाला है वो मिलने वाला है 140 सेक्शन का टायर मिलने वाला है आपको इसमें, 140/70 का टायर साइज़ मिलने वाला है। और उसी के साथ आपको यहाँ पे स्टाइलिश अलॉय व्हील मिलने वाला है, देख सकते हो यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा स्टिकरिंग लोगो वगैरह सब कुछ कलर मैचिंग के साथ यहाँ पे मिलता है। बाकी आपको बाइब्री का रियर ब्रेक भी देखने को मिल जाता है। और ये रहने वाला है बाइक का एग्जॉस्ट। तो कुछ इस तरीके का एग्जॉस्ट मिलता है आपको इस बाइक में, काफ़ी छोटा है और काफ़ी स्टाइलिश भी है। बाकी दो कलर के मैचिंग के साथ आता है इसका एग्जॉस्ट, सिल्वर एंड ब्लैक। तो बाइक में कहीं ना कहीं कलर कॉम्बिनेशन का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। और आपको यहाँ पे मोनोशॉक एब्जॉर्बर मिलता है, जो कि नाइट्रोक्स चार्ज रहता है। इस पर आप लोगो देख सकते हो, GRS का लोगो मिलता है आपको, GRS का बैजिंग मिलता है यहाँ पे। एंड टायर सेक्शन काफ़ी वाइड है। और पीछे अगर हम लोग बात करें इसके टेल पैनल के बारे में, देन इट इज़ वेरी स्लीक एंड वेरी डिज़ाइनिस्ट, और काफ़ी ज़्यादा ये आपको स्लीक और डिज़ाइन में मिलने वाला है, और काफ़ी वाइड रहने वाला है, ताकि अगर आप क्लाइमेट्स जब चेंज हो, और अगर आप किसी वाटर वाले सरफेस पे जाते हो मॉनसून के टाइम पे, अगर आप बाइक को राइड करते हो, तो उस टाइम पे आपको किसी तरीके का प्रॉब्लम ना हो। इस वजह से इसको काफ़ी वाइड दिया गया है, और काफ़ी नीचे तक है, काफ़ी लंबी टेल मिलती है, ताकि जो पीलियन राइडर है ना वो डिस्टर्ब ना हो किसी भी तरीके से। दिस इज़ दी हज़ार्ड इंडिकेटर्स। और अगर हम लोग ब्रेक को प्रेस करते हैं तो कुछ इस तरीके से इसका लाइट जो है वो ग्लो करता है। इसके बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आपको पासिंग लाइट मिल जाता है, पासिंग लाइट का बटन मिलता है यहाँ देख सकते हो आप लोग। तो अगर आप इसको प्रेस करते हो तो ये वर्क करेगा एज अ पासिंग लाइट। एंड अगर आपने बाइक को स्टार्ट कर रखा है, देन दिस विल बी दी हाई बीम एंड दिस विल बी दी लो बीम। बाकी यहाँ से आप मोड वगैरह चेंज कर सकते हो मीटर का, और ये अपना सिलेक्ट करने का रहता है बटन। तो यहाँ से आप लोग ऑपरेट कर सकते हो मीटर के सारे फीचर्स एंड फंक्शंस को। उसी के साथ आपको अगर इंडिकेटर को ग्लो करना है तो यहाँ से हम लोग लेफ्ट और राइट कर सकते हैं। उसी के साथ हॉर्न का बटन यहाँ मिलता है। और उसी के साथ एक और फीचर जो ऐड ऑन किया है हीरो ने इस बाइक में स्पेसिफिक, वो रहने वाला है लाइट्स इन दिस स्विच गियर। तो अब इस बाइक के स्विच गियर्स में भी आपको लाइट्स देखने को मिलेगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। बाकी इस साइड अगर हम लोग बात करें तो ये हज़ार्ड का बटन आपको मिलता है, जिससे चारों इंडिकेटर एक साथ जलने लगते हैं। अब आपको बाहर से फिटिंग कराने का कोई ज़रूरत नहीं है, कंपनी फिटेड ही आपको हज़ार्ड लाइट का सिस्टम मिलने वाला है। उसी के साथ दिस इज़ दिस सेल्फ बटन ऑल्सो, इंजन किल स्विच बटन बोलते हैं इसको। तो इसी के साथ आप लोग बाइक को स्टार्ट भी कर सकते हो। और एक बार मैं एग्जॉस्ट नोट सुनाना चाहूँगा। तो यहाँ से आप लोग बाइक को बंद भी कर सकते हो, और दिस इज़ द इंजन किल स्विच एंड दिस सेल्फ बटन। तो आप यहाँ से वाइजर वाले बटन को प्रेस करके इसके हाइट को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो एज नीडेड। तो ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे हमने वाइज़र को ऊपर किया, तो नीड के हिसाब से आप अपने वाइज़र को सेट कर सकते हो ऊपर नीचे। ये बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड फीचर रहने वाला है हीरो करिज्मा XMR 210 का। एक चीज़ नहीं बताते, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो आपको यहाँ पे मिल जाता है सारी गार्ड, लेग गार्ड जो भी बोलो, आपको कभी भी किसी तरीके का परेशानी नहीं होने वाला है विद द पिलियन राइडर।
तो अगर हम लोग बात करें इस बाइक के प्राइस के बारे में, तो ये बाइक आती है 215,000 ऑन रोड पटना, और आप लोग हीरो में आ सकते हो, हीरो चंदन ऑटोमोबाइल्स जो कि यहाँ पे कंकरबाग के पास है। और अगर हम लोग बात करें डाउन पेमेंट के बारे में, तो आप मिनिमम डाउन पेमेंट 20,000 कर सकते हो इस बाइक का। और बाकी अगर आपको फाइनेंस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है हीरो चंदन का, और आप लोग जाके वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो चंदन ऑटोमोबाइल्स में। और किसी भी बाइक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन हो तो आप लोग वहाँ कॉल करके क्वेरी कर सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का ये वीडियो, और कैसा लगा हीरो करिश्मा बाइक, कमेंट करके बताना। और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।